कोर्ट ने अभय को छोड़ कैसे दिया, जबकि उसने खुद मुझसे कहा था कि माही को उसने ही, मेरा तो ठीक है लेकिन कुसुम पर क्या बीत रही होगी? डैड, आपने कली और गर्व के बारे में सुना ही होगा। हाँ मुझे पता है। ये सब क्या हो रहा है डैड? कोर्ट में अभय अंकल बेकसूर साबित हो चुके हैं। आपको उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। आज तक जो कुछ भी हमारे पास है वो कपूर की वजह से, और अब तो मुझे बिजनेस करना सिखाओगे? गो फ्रॉम हियर। एक मिनट, तुम्हें लगता है ना कि जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया? नहीं डैड, आई डिडंट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था। वो माना कि कपूर खानदान का नाम हमसे ज्यादा है, लेकिन कोई भी कंपनी सिर्फ नाम से नहीं चलती। अगर ऐसा होता तो हर एक कपूर खानदान आज सक्सेसफुल होता। ये एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान हार से डरता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि हार में ही जीत का सबब होता है। मैं हार सकता हूं लेकिन कभी हार नहीं मान सकता। अमी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये क्या है? अभी तक आपने दवाई नहीं खाई। कुसुम को पता चलेगा तो मुझे डांटेगी। चलो चलो दवाई खा लो। कुसुम, हाय। ये क्या है? आपने अभी तक दवाई क्यों नहीं ली है? कभी की बोल रही हूँ, तू ये संभाल तेरी आई को। ये लीजिए, जानती है टाइम क्या हो गया है? और ये क्या, अभी तक दिया भी नहीं किया आपने। Thank you.
चाय पिलाइए ना माधुरी बहन, आप चाय पिएंगी ना? अरसा हो गया आई के हाथों की चाय पिए हुए। खाने में क्या है आई? भिंडी है क्या? नहीं है तो फिर मैं लेकर आती हूँ। एक्चुअली घर में जो भी है वो चल जाएगा। हाय, क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो आप मुझे? चाय बनाइए ना आई, आप भी कितना काम। आपने कहा था ना वापस आ जाओ, तो मैं वापस आ गई यार। मुझे लगता है हमें जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें गर्व और कली के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कली इस घर की बेटी है, और अगर हम लोग ही उसकी सगाई में नहीं जाएंगे तो कली को कितना बुरा लगेगा, और फिर लोग क्या कहेंगे? अरुंधति, बात लोगों की नहीं है, बात इस घर की बेटी की, उसकी खुशियां की, और हम उसकी खुशियां यहां इसी घर में मनाएंगे। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिन खुशियों की आप बात कर रहे हो वही इसी घर की एक बच्ची के दुख का कारण बनी हुई है। कली और गर्व की एंगेजमेंट इस घर में नहीं होगी। आखिर गर्व कुमुद का पति है? नहीं भाभी, गर्व कुमुद का पति था, है नहीं। कागज के टुकड़े से कभी रिश्ते नहीं जोड़ते। अगर ऐसा ही होता तो कभी उसमें जज्बात नहीं होते, ना उसके टूटने से कोई रोता, ना जुड़ने से खुशियां मनाता। कली मेरी भी पोती है, उसकी खुशी में मेरी भी खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बेटी के लिए हम दूसरी बेटी का दुख ही भुला दें। ये बात और है कि जो कुछ भी हुआ वो कुमुद की किस्मत थी, और ये भी सच है कि कुमुद की किस्मत बदलने वाली उसकी खुद की बहन है। फिर भी आप सबको ऐसा लगता है कि कली और गर्व की एंगेजमेंट यही होनी चाहिए, तो ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। बंसी जी, साहब कहाँ है? साहब तो ऊपर अपने कमरे में ही है। अच्छा ठीक है, ये बैग्स मेरे रूम में रख देना। गर्व, कब आए तुम? पता है मैंने कल के लिए सारी शॉपिंग कर ली। आई एम सो हैप्पी टुडे, अगर तुम आते तो मुझे अच्छा लगता। गर्व, aren't you excited? कल हमारी एंगेजमेंट है। Let's go out for dinner. चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। करीब, तुम अभी तो वापस आई हो, तुम थक नहीं गई? नहीं गर्व, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती मेरी हर टेंशन और हर थकान दूर हो जाती। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके।
तुम कुछ कह रही थी? मैं सोच रही थी कि मैं कहीं जॉब कर लूं। That's very good, Kumud. In fact, तुम्हें जॉब तो यूं मिल जाएगी, तुम इतनी टैलेंटेड जो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, I'm serious. Even I'm serious, Kumud. लेकिन तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही थी? नहीं, परेशान नहीं हो रही। I just want your advice कि मैं क्या करूं? आओ ना, बैठते हैं। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? In fact, Kumud, why don't we do this? पापा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आओ बैठ। पापा अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो? नहीं शिखा जी, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इसलिए नौकरी दो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। देखिए मैडम, आप किसी गलत फैमिली में मत रहिए। आपका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद अगर हमें ऐसा लगा कि आप ये नौकरी डिजर्व करती हैं तभी आपको ये नौकरी मिलेगी, जैसा हमने पहली बार किया था। पिछली बार तो कुछ नहीं बोलने दिया था, इस बार तो बोलने दोगे ना? अब तुम एक काम करना, कल तुम घर आ जाना, वहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। ओके? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं बाबा, I'm very serious. और हाँ, इंटरव्यू पापा ही लेंगे। लेकिन अगर तुम सिफारिश नहीं करोगे तो ही मैं आऊंगी। अब दोस्ती में इतनी शर्तें नहीं रखते हैं कुमुद। ओके? अब मैं कॉफी लेके आता हूँ। कली तुम तैयार नहीं हुई? कली, कली, मैं जानती हूं कर, तुम्हारे दिल में आज भी कुमुद बसी हुई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं कुमुद की जगह नहीं ले सकती। मैं जानती हूं, जानती हूँ कर, मैं कुमुद की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं समझते कर? ये मेरे आंसू नहीं पोंछ सकते, नहीं पोंछ सकते। Why don't you understand? थक गई हूँ मैं ये सब। टेंशन मत लो कली, प्लीज। कली डॉक्टर ने मना किया ना, प्लीज कली टेंशन मत लो। कली, कली तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो हमारे रिश्ते की बुनियाद है कली। कली उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। कली, get ready soon. तैयार हो जाओ। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? कुमुद, मुझे भूख लगी है। तो चलो ना कुछ खाते हैं। आज नहीं क्षितिज, फिर कभी बाहर चलेंगे साथ में, लेकिन अभी घर जाना है मुझे। तुम घर जाके खा लेना प्लीज। नहीं, भूख अभी लगी है तो। क्या क्या तुमने अभी तक कॉफी पी ना, फिर अचानक भूख लग गई तुम्हें? अब कुमुद, भूख लग गई तो लग गई, अब भूख पे किसी का कंट्रोल थोड़ा ना होता है। तुम्हारा भूख पर कंट्रोल नहीं और
मेरा टाइम पर। We'll finish it fast. नहीं शतीश, प्लीज फोर्स मत करो, घर चले। I'm sorry. Congratulations, Kar. इस तरह नजरें मत झुकाओ, क्योंकि ऐसा करके तो तुम अपने और कली के रिश्ते को नीचा दिखा रहे हो। अगर रिश्ता निभाना है तो सर उठा के निभाओ। नकुल, कुमुद और क्षितिज, गर्व और कली, सब एक साथ। मेरे अमेरिका से आने के बाद यहाँ कितना कुछ बदल गया यार। हाँ, लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली है, तेरा कली के पीछे भागना और कली का गर्व के पीछे। ऐसा कुछ नहीं है। I'm out of all this. क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट सीधे अभय कपूर की जायदाद में, और उसे हासिल करने के लिए मुझे कली को हासिल करने की कोई जरूरत नहीं।